हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास टेंथ का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 25 करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसे एक एक करके पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन भी मैंने लिखा है और उसको अटैच कर रखा है अपने इस वर्कशीट के साथ। तो आप बेहतर तरीके से इस वर्कशीट को पहले समझिए दोस्तों। ये चैप्टर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको क्या करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम भरना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर अपने क्लास टीचर का नाम भरना है। फिर उसके बाद दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम, ये जो जैव प्रक्रम है इसी का ये, आई होप आप इसको जो है ना क्या कीजिए, आप बुक से बेहतर तरीके से पढ़िए। और इसके सॉल्यूशन पे मैं डायरेक्ट चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, पौधों में श्वसन, पौधों में किस तरह से श्वसन होता है, पौधों में श्वसन, उसके बाद जो है ना दोस्तों इसका जो है ना फिर श्वसन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, मछलियाँ कैसे श्वसन करती है, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चलते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों आप, पौधों में श्वसन अंग का नाम लिखिए, और पौधों का वह अंग जो गैस के आदान प्रदान में सहायक होता है उसका चित्र भी बनाना है दोस्तों। तो पौधे के वह अंग जो है ना, पौधे का जो वह भाग जो श्वसन के लिए उपयुक्त होता है वो पत्ती होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका जो है ना फिगर देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, बेहतर तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश किया। तो देखिए, पौधे किस प्रकार से जो है ना दोस्तों सांस सांस लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पौधे जो है ना क्या है द्वारा, ये हरित लवक होता है, ये हरित लवक, और ये रंध्र होता है रंध्र, और ये द्वारा कोशिकाएं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जो एक जो है ना बंद रंध्र है और एक खुला रंध्र है। ये बंद है रंध्र और ये रंध्र खुला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये जब क्या कहते हैं, जब ये जो मतलब जब ये दीन करके जो है ना रंध्र, इसे बहुत जो ये फंक्शन करने के लिए बहुत उपयोगी होता है, और ये कोशिकाओं द्वारा रंध्र द्वारा ये क्या करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं अब बाहर छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख रहे होंगे, पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। तो पौधे को दिन के समय जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लेते हैं, और रात्रि के समय रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्या पौधे रात में को सांस लेते हैं? हाँ बिल्कुल, सांस लेते हैं रात में, ठीक है दोस्तों। पौधे रात को भी सांस लेते हैं, क्योंकि पौधे को रात्रि के में वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और दिन के समय उनके कोशिकाओं या पत्तियों के अंदर जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोस्तों जो ऑक्सीजन बनी होती है उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, पौधे करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली किस प्रकार सांस लेती है? तो मछली का श्वसन अंग गिल्स के द्वारा गैसों का पानी में घुलित ऑक्सीजन द्वारा, मतलब ये अपने आदान प्रदान क्या करते हैं, सांसों का करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। ये जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो श्वसन सतह के किन्हीं तीन लक्षणों का नाम लिखिए। श्वसन सतह के तीन लक्षणों, मैंने जो है ना देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 लिख दिए हैं दोस्तों। तो आपको जो है ना इसमें से 3 लिखना है, और 5ों अगर लिख लेते तो बेहतर है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपके टीचर आपको जो है ना सपोर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपके एग्जाम के लिए, आप 10th क्लास के बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको और बेहतर होगा जब आप इसे जो है ना दोस्तों इसे याद कर लेंगे और 5ों लिख लेंगे दोस्तों। तो यह दोस्तों वर्कशीट अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक्स अलॉट। थैंक्स।